हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीटीसी। रेलवे की नई भर्ती के रिगार्डिंग अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हां फ्रेंड्स, जीटीसी वैकेंसी की असेसमेंट नोटिस जारी करवा दी गई है और यहां पे वैकेंसी कितनी है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत किस पोस्ट की, उसकी डिटेल आ चुकी है। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियंस के वेरियस पोस्ट, जूनियर इंजीनियर के वेरियस पोस्ट, गुड्स गार्ड के पोस्ट पे जो यहां पे वैकेंसी का डिटेल निकल के आया है दोस्तों, 2025 तक का डेटा के अकॉर्डिंग सबको यहां पे वैकेंसी डिटेल ने चौंका दिया है। तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग पोस्ट वाइज। देखिए, यहां पे आखिर क्यों नहीं है अब तक नोटिफिकेशन जारी हुई है। 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो फुल नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल-पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी एक ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन की तरफ से। पर्सनल डिपार्टमेंट DRM ऑफिस जयपुर डिवीजन, 17/7/2023 आज ही यहां पे नोटिस आया है। और खास करके वैकेंसी का जो असेसमेंट है दोस्तों, अभी चल रहे हैं रेलवे के अंतर्गत जीडीसी की भर्ती में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 जुलाई को यहां पे नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं आई, तो मेन कारण यहां पे वैकेंसी का असेसमेंट नहीं हो पाया होगा, इसलिए यहां पे नहीं आया, ऐसा मैंने बताया था। और वही कारण था दोस्तों 100%। देखिए, अभी तक यहां पे 17 तारीख तक वैकेंसी का असेसमेंट ही ये लोग कर रहे हैं। तो अब जाके वैकेंसी की डिटेल आनी शुरू हो चुकी है। जनरल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस जयपुर, सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर GDCE कोटा 25% वैकेंसी, जिसमें यहां पे एक लेटर नंबर दिया गया था इस डेट में। इन रेफरेंस टू अबव फॉर फिलिंग अप ऑफ GDCE कोटा वैकेंसीज, असेसमेंट ऑफ जयपुर डिवीजन इज गिवन बिलो, यानी कि जो GDCE कोटा के तहत भर्तियां होने वाली है उसमें जो वैकेंसी का डिटेल निकल के आया है, असेसमेंट आया है, अभी सिर्फ अपडेट यहां पे जयपुर डिवीजन के अंतर्गत दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में यहां पे 4 डिवीजन है आपके। जयपुर डिवीजन हो गए, इसके बाद अजमेर डिवीजन हो गए, बीकानेर डिवीजन हो गए, जोधपुर डिवीजन हो गए। तो ये मेनली 4 डिवीजन यहां पे हैं, उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ जयपुर डिवीजन के अंतर्गत कितनी वैकेंसी है किस पोस्ट की, उसका यहां पे अभी असेसमेंट का नोटिस आया है। तो इसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे दिया है। सबसे पहले बात करें तो कैटेगरी, तो पोस्ट है, आपको पता है कि असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पर भर्तियां होंगी, लेवल 2 के अंतर्गत आती है। एग्जिस्टिंग वैकेंसी एज ऑन 1/7/2023, यानी अभी तक यहां पे कितनी वैकेंसी है, तो 327 यहां पे वैकेंसी बताई जा रही है। एंटीसिपेटेड वैकेंसी अप टू 1/7/2025, जैसा कि रेलवे मंत्रालय ने बोला था कि 2025 तक की वैकेंसी को देखना है, तो एंटीसिपेटेड कितना यहां पे पोस्ट और खाली हो सकती है 2025 तक जयपुर डिवीजन में, तो 27 यहां पे बोले गए हैं। इसीलिए टोटल वैकेंसी यहां पे बताया गया है 354 जयपुर डिवीजन के अंतर्गत। और वैकेंसी को दो पार्ट में यहां पे डिवाइड करना था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा और प्लस यहां पे 25% जो कि जीडीसी के अंतर्गत। तो 25% जीडीसी के अंतर्गत टोटल 89 पोस्ट यहां पे निकल के आते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के, और 50% के अंतर्गत 178, जिसमें कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप में यूआर का 46 दिया गया है, एससी का 14 पोस्ट, एससी के 6 पोस्ट और ओबीसी के 23 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस का कुछ यहां पे कैटेगरी मेंशन है ही नहीं। नेक्स्ट बात करें यहां पे टेक्नीशियंस वाले पोस्ट पे, तो टेक्नीशियन टीएमसी में देखा जाए तो कोई भी पोस्ट नहीं यहां पे असेसमेंट में निकल के आया। टेक्नीशियन ब्रिज में कोई पोस्ट नहीं, टेक्नीशियन कैरिज एंड वैगन में कोई पोस्ट नहीं, टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक में कोई पोस्ट नहीं, टेक्नीशियन डीजल इलेक्ट्रिकल में कोई पोस्ट नहीं। देखिए, बिल्कुल भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जैसे कि लगातार रेलवे मंत्रालय यहां पे पिछले एक साल से बोलते आ रही है कि हमारे पास लगभग 3 लाख के आसपास पोस्ट है जो कि वैकेंट है, जिस पे रिक्रूटमेंट करानी है, और पिछला 4-5 साल से कोई नोटिफिकेशन आई भी नहीं है। और जब यहां पे वैकेंसी की असेसमेंट की डेटा निकल के आ रही है तो यहां पे इतने सारे पोस्ट पे कोई वैकेंसी बता ही नहीं जा रहे हैं, जबकि 2025 तक की वैकेंसी को ये लोग आकलन में ले रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर में भी कोई वैकेंसी नहीं निकल के आई। इसी तरह से यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग में कोई नहीं, टेक्नीशियन Grade 3 सिग्नल में कोई नहीं, टेली कम्युनिकेशन में कोई पोस्ट नहीं। इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर में आ जाते हैं तो Level 6 के अंतर्गत PWA में एक भी पोस्ट नहीं जयपुर डिवीजन से, वर्क्स में एक भी पोस्ट नहीं, TMC में भी एक पोस्ट नहीं, जूनियर इंजीनियर ब्रिज में भी कोई नहीं, जूनियर इंजीनियर सिग्नल में भी कुछ नहीं, टेली कम्युनिकेशन में भी कुछ नहीं, कैरिज एंड वैगन में भी नहीं, डीजल मैकेनिकल में भी कोई नहीं, यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिकल में भी कोई नहीं, और जूनियर इंजीनियर TRD में भी कोई नहीं, जूनियर इंजीनियर जनरल सर्विस में भी कोई वैकेंसी नहीं। पूरा का पूरा JEE में दोस्तों एक भी वैकेंसी नहीं जयपुर डिवीजन से, और टेक्नीशियन में भी एक भी पोस्ट नहीं। उसी तरह से ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड के बारे में बात करें लेवल 5 के अंतर्गत, तो टोटल यहां पे 16 वैकेंसी अभी तक और 40 यहां पे निकल के आए हैं असेसमेंट के तौर पे, यानी टोटल 56। और इसमें से बात करें तो GDCE कोटे के अंतर्गत जो 25% लेनी है उसमें से मात्र 14 वैकेंसी निकल के आ रही है, और बाकी 50% के अंतर्गत यहां पे 28 वैकेंसी, और जिसमें 14 को डिवाइड करके 7, 2, 1, 4 ऐसे करके यहां पे दिए गए हैं कम्युनिटी वाइज। और यहां पे नोट में देख लीजिए, बोला गया है एंटीसिपेटेड वैकेंसी अप टू 1/7/2025 हैज बीन टेकन इन लीव ऑफ गार्ड रिव्यू अंडर वेटिंग, दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज। और देखिए, ये जो वैकेंसी का असेसमेंट किया गया है 1/7/2025 तक के डेटा के अकॉर्डिंग किया गया है, जैसा जो कि इस तरह से अपडेट अभी निकाल के आ रहे हैं।
एक तरह से दोस्तों ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर रहे हैं। जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2025 तक की वैकेंसी को देखा जाएगा तो काफी अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी आएंगी, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है ये सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन की बात की जा रही है, सिर्फ जयपुर डिवीजन में इस तरह के आंकड़े निकल के आए वैकेंसी के। लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत और भी 3 डिवीजन बचे हुए हैं, जो कि अजमेर डिवीजन से आना बाकी है वैकेंसी का असेसमेंट, बीकानेर डिवीजन से आना बाकी है, जोधपुर डिवीजन से आना बाकी है, और इसी तरह से करके सारे के सारे जो 17-18 रेलवे जोन है सब जोन को मिला करके ऐसे करके वैकेंसी की डिटेल आएंगी, तब यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो सिर्फ एक डिवीजन की बात है, इस तरह से डेटा निकल के आए हैं। हो सकता है कि इस डिवीजन में यहाँ पे टेक्नीशियन की कोई पोस्ट ना हो, जूनियर इंजीनियर की कोई पोस्ट यहाँ पे ना निकल के आ रही हो, तो बीकानेर डिवीजन के अंतर्गत आए तो वहाँ पे जेई की पोस्ट निकल के आए, वहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट निकल के आई, वहाँ पे एलपी का ज्यादा पोस्ट निकल के आए। हो सकता है अजमेर डिवीजन में ज्यादातर पोस्ट निकल के आए, हो सकता है यहाँ पे जोधपुर डिवीजन का असेसमेंट निकल के आए तो वहाँ पे ज्यादातर वैकेंसी देखने को मिले, या फिर जेई का टेक्नीशियन का पोस्ट पे देखने को मिले। तो अभी सिर्फ एक जोन की डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ जिसका डेटा ऐसे आया है, तो इसमें आपको अभी इस तरह की वैकेंसी की डिटेल नजर आ रही है। बट ये सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि जब यहाँ पे एक डिवीजन के अंतर्गत भी 2025 तक की वैकेंसी का डिटेल मांगा जा रहा है, तभी यहाँ पे टेक्नीशियन के एक पोस्ट नहीं निकल के आ रहे हैं असेसमेंट में, जूनियर इंजीनियर के एक पोस्ट नहीं निकल के आ रहे हैं, तो आखिर जब ट्रेलर ऐसा है तो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें वैकेंसी आखिर कितनी देखने को मिलेगी? अभी तो पूरे जोन का वैकेंसी का डिटेल आया ही नहीं है। तो सारा कुछ असेसमेंट अभी चल ही रहा है, काफी ज्यादा डिले ये लोग कर रहे हैं आरआरबी वाले, और मैंने आपको बता दिया था फ्रेंड्स कि ये लोग बहुत डिले करते हैं, वैकेंसी की असेसमेंट ठीक से नहीं हो पाई होगी, टाइम से नहीं हो पाई होगी, इसीलिए यहाँ पे डिले हो रहा है, इसलिए नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिली है 15/7/2023 के डेट में। तो 30 तक लास्ट डेट दिए थे ये लोग यहाँ पे वैकेंसी की असेसमेंट करने के लिए, नहीं वैकेंसी का डिटेल दिया, तो यहाँ पे 6 तारीख का डेट दिया गया था अंतिम मौका फिर से, फिर भी नहीं दिया, तो अब जाके देखिए 17 तारीख के डेट में यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल आने लगा है, और ऐसे करके सारे जोन से आएंगे और तब सभी जोन का क्लियर होगा, तभी जाके फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जीडीसी वाली यहाँ पे जारी करवाएंगे ये लोग सभी आरआरसी के वेबसाइट पे। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है फ्रेंड जीडीसी के फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी का असेसमेंट पूरा नहीं हो पाया, तो जैसे पूरे होंगे सभी जोन का वैकेंसी का डेटा आएगा तभी दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये लोग जारी करेंगे। तो मान के चल सकते हो कि इस वीक के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर भी यहां पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स यहां पे बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन से आपके और भी वैकेंसी रहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे, इतना नहीं इससे और भी ज्यादा होता, लेकिन क्या हुआ कि इससे पहले एक जो रिक्रूटमेंट ये लोग जीडीसी का करा रहे थे उसको कैंसिल ये लोग नहीं किए हैं, और पूरे के पूरे पोस्ट पे ये लोग यहां पे भर्तियां कंडक्ट करा रहे हैं। देख लीजिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आई थी 24/3/2023 के डेट में, जिसमें यहाँ पे जीडीसी की भर्ती जयपुर जोन वाले उन्हें निकाला था, और इसमें टोटल जो वैकेंसी दिया था यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का 238 पोस्ट पे दिया था, तो इस पे रिक्रूटमेंट ये लोग करा रहे हैं कंडक्ट, तो इसकी प्रक्रिया चल रही है। अगर इसको कैंसिल कर देते और नई वाली जीडीसी में डालते तो 238 पोस्ट और आप लोग ऐड करके चलते हैं यहाँ पे जितनी वैकेंसी का डिटेल आता उसमें से, तो ये तो ऐसे ही कम गया 238 पोस्ट, तो इसलिए इस जोन में तो थोड़ा कम डेटा निकल के आ रहा है वैकेंसी का। बाकी दूसरे जोन में होप कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी एलपी टेक्नीशियन की, जूनियर इंजीनियर की और गुड्स कार्ट के पोस्ट पे आ सकती है। तो आने दीजिए पूरे के पूरे जोन की नोटिफिकेशन और सारी वैकेंसी की डिटेल, तभी आपको पता चल पाएंगे कि आखिर कितने पोस्ट पे भर्ती आने वाली है। बाकी दोस्तों चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जैसे और जोन की अपडेट कोई नोटिस आती है सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।